अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू MCPS ऑनलाइन क्लासेस। होप स्टूडेंट्स यू ऑल आर डूइंग वेल। आपको समझ आ रहे होंगे मेरे वीडियोस और मैं जो भी टॉपिक्स पढ़ा रही हूँ, मे होप सो कि आप वो सारे असाइनमेंट्स भी कंप्लीट कर रहे होंगे, है ना। तो बच्चों नेक्स्ट जो हमारा बुक का क्वेश्चन नंबर 4 जो है चैप्टर 1 में एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4 जो है फाइंड प्लेस वैल्यू ऑफ 6 एंड 2, है ना। ये क्वेश्चन है, मैं इसको आपको सॉल्व करवाती हूँ अभी कि कैसे हमें प्लेस वैल्यू बतानी है। प्लेस वैल्यू के बारे में हम लास्ट वीडियोस में ऑलरेडी बहुत बार पढ़ चुके हैं कि अब तक तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा प्लेस वैल्यू के बारे में, है ना। हमें यहाँ पर प्लेस वैल्यू बतानी है, लेकिन किसकी प्लेस वैल्यू बतानी है इन नंबर्स में 6 एंड 2 की। तो हम एक एग्जांपल फर्स्ट जो है हमारा पार्ट वो लेते हैं जिसमें हमें प्लेस वैल्यू किसकी बतानी है, 6 एंड 2 की। सबसे पहले हम उन डिजिट्स को अंडरलाइन कर देते हैं, ये मेरा 6, ये मेरा 2, हमें इनकी प्लेस वैल्यू बतानी है। और इस वाले पार्ट में ये रहा मेरा 6, ये रहा मेरा 2, यहाँ पर एक और मेरा 6, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले वही बात है जो मैं आपको हर वीडियो में बता रही हूँ, इस चैप्टर के लिए इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ प्लेस वैल्यू। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, ठीक है। अब मुझे यहाँ से शुरू करना है, पहले मैं इसकी प्लेस वैल्यू बताऊँगी बिकॉज वन से स्टार्ट होती है प्लेस वैल्यूज, हाँ। तो ये मेरा 6 है, मुझे 6 की ही बतानी थी, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इज इक्वल, 6 की प्लेस वैल्यू क्या रहेगी, 6 ही रहेगी। क्यों रहेगी, क्योंकि जब एक्सपांडेड फॉर्म था मैंने आपको सिखाया था, तो उसमें मैंने बताया था कि जो डिजिट्स हम ले रहे हैं, एक्सपांड कर रहे हैं, उसमें जितने डिजिट्स उस डिजिट के बाद बच जाते हैं उतने हम 0 प्लेस कर देते हैं। यहाँ पर 6 के बाद कोई भी डिजिट नहीं है, इसका मतलब 6 की प्लेस वैल्यू 6 ही रहेगी, क्योंकि वो वंस प्लेस पर आया है, है ना। तो वंस तो एक ही डिजिट होता है, ठीक है। अब हमें 2 की प्लेस वैल्यू बतानी है, तो हम लिख देंगे प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज इक्वल। अब 2 की प्लेस वैल्यू क्या है, 2 तो लिख दिया, लेकिन इसके बाद में कितनी डिजिट्स है, 1, 2, 3, 4, 4 डिजिट बची है, तो हम 4 जीरोस प्लेस कर देंगे, 1, 2, 3, 4। या फिर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो 2 कौन सी प्लेस पर प्रेजेंट है, 2 कौन से पर है, 10,000, तो 1, 10, 100, 1000, 10,000 पर आ गया। तो इस तरीके से हम नंबर्स की प्लेस वैल्यू बताते हैं। अब इस एग्जांपल में भी हमें 6 to 6 की बतानी है प्लेस वैल्यू, फिर से वही 1, 10, 100, 1000, 10,000 प्लेस वैल्यू ऑफ 6। अभी हम ये वाला 6 ले रहे हैं जो 10th प्लेस पर है, ये वाला नहीं ले रहे, ठीक है। तो इस 6 के बाद में कितने डिजिट बाकी है, एक ही डिजिट, तो कितना 0 प्लेस करेंगे, 1, तो ये 6 के बाद 1 0 प्लेस कर दिया, तो 6 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 60। नाउ प्लेस वैल्यू ऑफ, सॉरी मैंने यहाँ वैल्यू नहीं लिखा है ना, प्लेस वैल्यू ऑफ 2, इस 2 की 100 प्लेस पर है, मतलब 2 क्या बन जाएगा, 100। ऐसे भी और वैसे 2 के बाद 2 डिजिट्स बाकी है, 2 0 प्लेस कर दिए हमने, फिर एक और है हमारे पास 6, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 6। नाउ 1, 2, 3, 6 के बाद 3 डिजिट्स हैं, तो 3 0, एक तो ये तरीका, और दूसरा ये कि 6 जो है वो 1000 प्लेस पर है, तो 1, 10, 100, 1000 पर उसको हमने प्लेस कर दिया। तो बच्चों ये हमने आज प्लेस वैल्यू कैसे फाइंड करने हैं उसके बारे में पढ़ा है। अभी ये मैंने आपको 2 पार्ट्स बताए हैं, बाकी के जो पार्ट्स हैं वो मैं आपको असाइनमेंट में दूंगी, जिसको आपको नोटबुक में कंप्लीट करना है। अच्छे से आप वर्क करिएगा, स्टे होम स्टे सेफ, थैंक यू।